दलित संगठनों के बाद सवर्णों का आज भारत बंद। एमपी और राजस्थान के कई शहरों में लगाई गई धारा 144, वहीं कुछ शहरों में इंटरनेट भी हुआ बैन। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। दलित उत्पीड़न के खिलाफ कर राजघाट पर कांग्रेस का एक दिवसीय उपवास विवादों में गिरा। उपवास के पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा छोले भटूरे खाते हुए तस्वीरें हुई वायरल। राहुल गांधी का उपवास महज बनकर रह गया एक मजाक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। पांचवें दिन भारत ने 3 गोल्ड समेत 7 मेडल जीते। शूटिंग में जीतू राय ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड पर जमाया कब्जा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 30, इनमें 27 बच्चे शामिल। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा दुख। 9 साल के इंतजार के बाद भारतीय सेना को मिलेंगी बुलेट प्रूफ जैकेट। रक्षा मंत्रालय ने 639 करोड़ रुपए की लागत से 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेटों को खरीदने के लिए किया करार। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को डायलिसिस के बाद एम्स से दी गई छुट्टी। नहीं किया गया किडनी ट्रांसप्लांट। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की नाबाद 77 रनों की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद जीता। आईपीएल 2018 के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। मुंबई में 2011 तक के बने झोपड़ियों में रहने वालों को जल्द मिलेगा बहुमंजिला आवासीय इमारतों में रहने का मौका। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पक्का घर देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक युवती ने लगाया रेप का आरोप। गृह विभाग की ओर से विधायक को मिली क्लीन चिट। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया आज मना रही है अपना 32वां जन्मदिन। उनका 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था जन्म। उन्होंने साल 2004 में फिल्म टारजन द बंडर कार से किया था बॉलीवुड में करियर शुरू।